देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर हाशमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों से जिस तरह वादा किया था, सीजन करीब आएगा कराची पाकिस्तान का, आपको शौक भी दिखाएंगे, शौकीनों से मिलवाएंगे भी। एक मुनफरिद शौक होने जा रहा है कराची में, तो शौकीन का नाम जानते हैं और इस शौक के हवाले से आपको अपडेट देते हैं। तो अगर आपने हमारा जो सेकंड चैनल है बासिर हाशमी वीलॉग उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उसके ऊपर मौसूल होंगी। ये है हमारे साथ शहरोज भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहरोज भाई? खैरियत से? हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? फारूक नाम है। तो शहरोज भाई, देखने वालों को सबसे पहले ये बताइए, कराची का कौन सा एरिया जहाँ से आपका ये शौक मुनक्किद हो रहा है? ये है कराची का लांडी फारूक इलाका है। सही। और अभी जो आपका शौक हो रहा है कोरे गोरों का, दोस्तों कोरी छत है ये, कोरा परिंदा, शौक के हवाले से बताइएगा कितने कबूतर लड़ रहे हैं? शौक के हवाले से ये है कि हमारे 200 कबूतर लड़ रहे हैं घाघरे, सिर्फ घाघरे। और उसमें तकरीबन अगर कोई अच्छे कबूतर हो, चूड़ियाँ परियाँ बने हुए, वो कबूतर भी आप छोड़ सकते हैं। कबूतरों चूड़ियाँ परियाँ बने हुए, तो यहाँ पे ये भी बात आ जाती है, काले चूड़ियाँ परियाँ बने हुए कशपरा साज और भी है, तो इजाजत किन किन कबूतरों की? जो अच्छे कबूतर होंगे, यानी कि हाँ रंग भी खेरे हैं, ना भी खेरे हों, गुलाबी खेरे हों, ऐसे कबूतर आप छोड़ सकते हो। शौक को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों इनसे एक और मेन सवाल ये करते हैं, जाहिर सी बात है सबसपरा साज है और घाघरे इतनी आसानी से खुलते नहीं है, तो अपने उस्ताद का बताइएगा, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं या किसी सिलसिले से किसी तालीम से मुंसलिक हैं? हमारे उस्ताद जो है खालिद भाई। खालिद भाई का कौन? खालिद भाई शहजाद। खालिद शहजाद भाई, सही सही। मेरी आपने पिछली वीडियोज में जिक्र देखा होगा, भूरे भाई के उस्ताद, भूरे के जो है वो सही सही सही। तो अभी जो है दोस्तों इनका परिंदा यहाँ पे खुल चुका है, कबूतर किस तारीख को छुटने थे और लड़ने किस तारीख को, ये थोड़ा बताइए। 25 तारीख को कबूतर छुटना थे और तकरीबन 3 तारीख को हमारा कबूतर लड़ेगा, और माशाल्लाह 25 को हमारा कबूतर छुट भी गया, हमने 25 को कबूतर खोल भी दिया। 26 तारीख हो गई है, आज भी हमने अपने कबूतरों को डबल ट्रिपल आगे पीछे कर दिया, मेरी वीडियो में आप देखेंगे। अच्छा, कबूतर आपने, जाहिर सी बात है कबूतर जब तैयार करते हैं लड़ाई के लिए और आगे जिस तरह छत्ते पलटी होता है, तो कबूतर उसके अंदर 19-20 होता है, तो कितने कबूतर खोले थे कि जो अब ये बचे हैं कबूतर? कबूतर हमारे तकरीबन 30 कबूतर आगे पीछे हुए, ये भी अल्लाह का करम हुआ है कि ज्यादा कबूतर नहीं हुए, बाकी जो है हमारे कबूतर अभी हमारे पीछे खड़े हुए, तकरीबन 250 कबूतर खड़े हुए हमारे पास। अच्छा, ये जो कबूतर है ये 250 कबूतर है? तकरीबन 250 कबूतर हमारे पास खड़ा। सही सही। तो दोस्तों जाहिर सी बात है छतें पलटी होती हैं, कबूतर एक छत से दूसरी छत पे जब आता है, इलाका चेंज होता है, उसको समझाते हैं बुझाते हैं, तो इनका शौक जो है एक मुनफरिद शौक होने जा रहा है। दूसरी तरफ भी घाघरे ही छुटे? जी, दूसरी तरफ भी घाघरे छुटे। टाइम के हवाले से बताइए, टाइम आप दोनों फरीकैन ने कौन सा टाइम डिसाइड किया? टाइम तकरीबन हमने रखा है 2 बजे से लेकर, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 3:30-4 बजे के लगभग। अच्छा, ये टाइम हमारा। और घोल बन में क्या टाइमिंग है? होल वन की भी यही टाइमिंग है, 2 से 4 बजे। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों छत में आपको वीडियो में आगे कवर करके भी दिखाऊंगा, उधर जो चूंकि जो है वो अभी कबूतर खुले नहीं है, नेट लगा है, इधर इन्होंने 25 तारीख को ही लाए थे और 25 तारीख को ही अल्लाह के हुक्म से खोल दिए। कबूतर कोई आगे पीछे हुआ? नहीं, अल्लाह के यहाँ से कोई कबूतर आगे पीछे। सही है। तो दोस्तों साज भी आपको दिखाएंगे और एक नया सा जो है वो शौक होने जा रहा है इस एरिया में, अभी तक इस एरिया में घाघरों का शौक नहीं हुआ है ना? लगभग इस एरिया में लांडी तुरंगी में भी मेरे हिसाब से तो कहीं पर नहीं हुआ है घाघरों का। सही सही। कबूतरों के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कोई कैद रखी गई है कि कबूतर बैठेगा जो है वो 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के उठा देना है? ऐसी कोई शर्त रखी नहीं गई। अच्छा, कि आपके पास कबूतर, एक मिसाल है जनरली तौर पे 4 बेड़ियां 5 बेड़ियां, थोड़ा तो टाइम लगता है ना, सामने आने का भी कबूतर बैठ रहा है, अब वो तंग करेगा, परेशान करेगा कबूतर, तो ऐसी कोई शर्त ना कोई टाइम मुकर्रर किया है अभी तक, कोई टाइम मुकर्रर। अच्छा, कलर के एतबार से कोई अभी लाया अमल अख्तियार किया गया कि कौन सा कलर आपके कबूतरों को लगेगा, उनके कबूतरों को कौन सा कलर लगेगा? ये अभी डिसाइड नहीं है, अभी डिसाइड नहीं लगेगा, लेकिन कलर डिसाइड। कलर लगेगा, कलर डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आपके परिंदों ने पूरा साज पहना हुआ है, इनके कबूतरों ने दोस्तों साज पहना हुआ है पीला ना, तो इस वजह से मैं ये इनसे सवालात जो है वो पूछ रहा हूँ। कलर लगेगा 2 दिन पहले। 2 दिन पहले लगेगा, ठीक है। अरसलान भाई, थोड़ा सा देखने वालों को ये बताइए, छत पे क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं होता, क्योंकि ये जाहिर सी बात है
अपना ये परिंदा ऐसा है कि जो है ये इतनी आसानी से रुकता नहीं है। छत पे जितनी भी देख रहे के वो और किसकी निगरानी में ये शौक जो है वो खोल बन चल रही है अभी और आगे पीछे भाई है हमारे साथ, याद भाई है, खालिद भाई है, माशा अल्लाह के दोनों खलीफा थे। तो दोस्तों अभी जो यूँ समझ लें मेन जो किरदार है वो यहाँ पे वकास भाई और इन सब दीगर दोस्तों का, खालिद भाई और वगैरह, एजाज भाई जिनका इन्होंने जिक्र किया। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ बने रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो के इख्तिताम में आप शौकीन हज़रात कुछ कहना चाहेंगे देखने सुनने वालों को? नहीं, बस यही सुनने वालों को कहना चाहेंगे कि बस दोनों तरफ से यही है कि लोग आए देखें, शौक देखें, हमारा प्यार मोहब्बत का शौक, प्यार मोहब्बत का शौक है, भाई पंडी वाला शौक है, वो भी हमारे भाई है। ज़बरदस्त, एक अच्छा मैसेज दिया आपने। देखने वालों को आखिर में नाम बताइए जिन भाई से आपका ये शौक पैदा आ गया। मेरा जिनसे ये शौक हुआ इनका नाम है अपना नादर भाई है और ये नबील है और अली सलीम, इनसे मेरा शौक। नादिर भाई, अली सलीम और नबील अली, दोनों भाई नबील अली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट करके बताएं क्या देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये दोस्तों इनके ये कबूतर खुल रहे हैं, यहाँ दाना हाथ में लिया जा रहा है और ये चिकनाव की तैयारी हो रही है। कुछ कबूतर अभी आए हैं, ये रहे दूध कितना डालना है, कुछ कबूतर यहाँ बंद है। हाँ हाँ खोलो, वकास भाई कितने कबूतर हैं? 250 कबूतर हैं दोस्तों, 200 कबूतरों की लड़ाई है, एक्स्ट्रा रखें, कोई कमी बेशी हो, एक कबूतर खड़ा पड़ा है। ये जाल भी खुल रहा है दोस्तों, चमकते बहुत हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हुआ हूँ। कुछ कबूतरों ने तावा ले लिया, वो जो छत है जहां लड़ेंगे कबूतर वो ये नेट लगा हुआ। तावा खा लिया कबूतरों ने, ये बल मार गया। कबूतर तेज हो रहा है,
दोस्तों ये चमक होती है घाघरों में। अभी इसमें से कैसे कैसे कबूतर हट जाएंगे वकास भाई? 40 कबूतरों का ऑप्शन है हमारे पास। 40 कबूतर जैसे उन्नावी कबूतर हैं, काले हैं, होल वन में हमने होल दिए। अच्छा अच्छा ये देखेंगे दोस्तों चमक। और छूट किन किन की है, जैसे कि कौन 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 सा कबूतर छोड़ सकते हैं? इसमें 10-12 उन्नावी घेरे हैं, गुलाबी घेरे हैं, हाँ, बने हुए हैं, हाँ, ये कबूतर इनकी इजाजत है। इंशाल्लाह 30-40 कबूतर आज आ जाएंगे, वो भी हम खोल देंगे कल। अच्छा माशाल्लाह। आज दूसरा दिन है, हमने कल ही खोल दिया थे। माशाल्लाह। और लड़ किस तारीख को रहे? 3 तारीख को लड़ेंगे। 3 तारीख को 2 बजे? 2 बजे। दोस्तों इन्होंने 25 तारीख की जो है वो छत पे छोड़ने की बात हुई थी, कोरी छतों पे। 25 तारीख को हमने छोड़े थे, उसी दिन खोल दिए थे। 25 तारीख को ही खोल दिए थे? 25 तारीख को ही खोल दिए थे। आज 26 तारीख है, आज दूसरा दिन है। खोल बंद का क्या टाइम मुकर्रर है? 2 से 4 की टाइमिंग है। 2 से 4 घंटे कबूतर लड़ेगा, 1 घंटे ताप है। सही, 4 बजे बंद हो। कोरे घाघरों की लड़ाई हो रही है। अरसलान भाई अभी इनको डबल नहीं करवाया ना? नहीं, साफ करना। कंडीशन देख करके लग रहा है कि डबल हो जाएंगे। अच्छा माशा, वरना अमूमन ये परिंदा ऐसा है कि जो है ये इतनी आसानी से खुलता नहीं है। अल्लाह इज्जत देने वाला है यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कबूतर सिमटा हुआ है दोस्तों। जाल इनका बड़ा VIP बना हुआ है, जाल भी मैं आपको दिखाता चलूं। जैसे ये घाघरे परियां बने हुए हैं, ये चलेंगे। सही। और गुलाबी खेरे हैं, इसमें गुलाबी खेरे चूड़ियां परियां बने हुए हैं, वो भी चलेंगे। वैसे ये जैसे ये मोखी वगैरह ये हट जाएंगे? ये हट जाएंगे कबूतर।
सही है। ये मेक पाई कबूतर है, ये भी हट जाएंगे। अच्छा, ये भी हट जाएंगे। ये और ये जोगिया चब्बना और ये कुमरिया चब्बना, ये भी हट जाएंगे। अच्छा, ये भी हट जाएंगे। बात करेंगे, अगर वो कहेंगे तो लड़ा देंगे। कबूतर तो खैर अच्छे ही है, अगर मना करेंगे तो हटा देंगे। सही। यानी सिर्फ बनारसी कैटेगरी लड़ेगी। ये कबूतर रुके हुए, शिराजी विराजी सब रुके हुए, लड़ेंगे ये नहीं लड़ेंगे। छत काफी साफ सुथरी है। अच्छा, ये कासने का कबूतर उतर गया दोस्तों, काफी देर से उड़ रहा था ये। आ जाएगा हाथ में, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो भगा दिए। ये शिकार कर लिया ताऊ में कूदा था। अड़िया अड़िया ये रहा। दोस्तों को हल्का, बिल्कुल हल्की सी शोर शराबी चिगारे से भी उड़ जाएंगी, क्योंकि चमक बहुत है कबूतर।
कांगिया और अगर जरा सा भी इनको सीटी वीटी दी ना तो ये पलटियां मार जाएंगे। धूप में खोलने का मकसद ये है कि जरा तह वह समझ लें, छत को पहचान लें। वकास भाई कलर की कोई बात हुई है अभी? कलर लगेगा। अच्छा तो कलर की अगर बात हुई है तो कलर कौन सा लगेगा? कोई सा भी, एक कलर हमको लग जाएगा, एक कलर हमारे कबूतरों पे लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपके कबूतरों ने साज पहना हुआ, मैं ये देख रहा हूँ, पीला साज। तकरीबन कबूतर साज पहने हुए मगर कलर फिर भी लगेगा। सही है, क्योंकि रूल होता है वो लड़िया का। सही है। अब थोड़ा इनको घूमने देंगे ताकि ये अपनी मर्जी से इधर उधर बैठें, छत को समझें। चार कबूतर गए। दो
नहीं वो अपना नहीं है। ये बैठक सही बन रही है इनकी, इसलिए वहाँ चल गई ना कल में भी कोयटा में बैठक अच्छी बनेगी। Thank you.
यार वो थाल देखते थे दरिया क्या भाई थाल दरिया थाल देखते थे हाँ तेरे को बोला तो था मैंने तेरे को क्या लगेगा बेटा मैं वहां पे बाबर मार देते हाँ नहीं चल तेरे को जो है ना अभी पक्के बना के देखो तो एक घंटे रुक जा बस खाली अच्छा वो 10 जो अंदर बनते दोस्तों खोल दिए वो शिराजी विराजी अभी खोले लाल बन हट गया आ, 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 आ,
ये लाल बन निकला। ए, ए, आ, आ, उस तरफ ये सीधा पड़ गया, ये सीधा मुंह रख दिया, ये पलटा, ये रहा। वो जा रहा है, ये नीचे नीचे हाँ, अब घूमा घूमा आ रहा है, दो बस सीधा आ रहा है, वो आ रहा तुम्हारे वाले हाथ से आ रहा है, ये आ गया। ये छुपा लो, डायरेक्ट यहीं आएंगे, इसको नीचे रखो, ये आ गया, तावा दे दो तुम एक। ये आ रहा बिल्कुल सीधा, ये घाघरा उधर कूदा, ये
ये ब्लैक जो बना हाँ बिल्ली पकड़ लेती नीचे में से
तेज हो गया। आए मार्केट में एक और नया आया है क्या? कोफ्ता पड़ जाएगा मार्केट में एक नया आया है ये लव। माशाल्लाह VIP इनको डबल भी कराना शुरू कर दो अब। अभी जब तो और खोलो ना। अच्छा अच्छा बस ये लाल टंकी के पास से घूम के आ गया ना, मैदान देख लेगा यहाँ का। लेकिन किनारे वाले कबूतरों में हवा भर रही है। निकला
हेलो ये घाघरा कह रहा है दोस्तों, बड़ा अच्छा है इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टाइम इनका बंद होने का हो चुका है, 4 बजने के करीब है। इंशाल्लाह जैसी लड़ैया शुरू होगी हम आपको दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। मेरा एक और बासर हाशमी वीलॉग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उसके ऊपर आया करेंगी। तो मुझे तो अपनी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।